हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ब्लू स्टार की एसी है हमारी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वही सब मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें H6 लिक के आ रहा है ब्लू स्टार की एसी में। वीडियो पे बने रहिएगा तभी आपको पूरा माध्यम से समझ में आएगा। लंबी वीडियो है थोड़ी, आप सब पूरा इसको स्किप नहीं कीजिएगा। जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए हमारी वीडियो रहता है। देखिए H6 लिख के आ रहा है। अगर आप सब को नॉलेज है इस वीडियो तो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं हमारा वीडियो। तो टेक्निकल गुप्ता के वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यही सॉल्व आउट करूँगा H6 किस चीज़ का कैसा प्रॉब्लम है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। ऑन कर दो। ब्लू स्टार की एसी है, इसमें ऑन होता है, कुछ देर चलता है तो H6 एरर कोड आ रहा है। तो एसी की प्रॉब्लम होती है सब आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेगा हमारा स्टेबलाइजर ऑन होने पे। अभी देखिए कुछ देर बाद हमारा ऑन हो जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा जो ये इंडोर का जो फ़ैन है ये फ़ैन नहीं चल रहा है। हमारा ये स्विंग वगैरह सब कुछ चल रहा है लेकिन इंडोर का फ़ैन हमारा नहीं चल रहा है। तो भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके दिखाऊंगा। इसी में H6 का एरर कोड होता क्या है। ब्लू स्टार की एसी है, H6 मतलब जो आपका ब्लोअर है, या तो ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तब ये दिक्कत करती है, और या तो ख़राब हो या तो जाम हो। देखिए गंदी तो एसी है नहीं क्योंकि हमने सर्विस कर दिया है, आप सब देख ही रहे हैं, फर्स्ट क्लास हमारी एसी एकदम क्लीन है, देख रहे हैं कोई डस्ट वगैरह नहीं है। और अंदर भी हमारी एकदम देखेंगे तो H6 एरर कोड आ रहा है। क्या रहा है? H6 एरर कोड आ रहा है। इसमें जो ब्लू स्टार की एसी होती है इंडोर में H6 आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है। ये हमारा या तो फ़ैन, जो इंडोर का फ़ैन ब्लोअर होता है वह तो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, इसके कारण से होता है, या जाम या ख़राब हो, या तो चूहे वगैरह तार काट देते हैं तो होता है। तार काट देंगे जाहिर सी बात है, आपका मोटर में आपका वो जो पावर है जाएगा नहीं, तो H6 एरर कोड आएगा ही आएगा। तो इसी को सॉल्व करूँगा मैं आज। अभी ऑन हो जाएगा कुछ देर बाद, 3-4 मिनट लेगा। ये हमारी एसी ऑन हो चुकी है, 25 पे आ रहा है। ये देखिए हमारा स्विंग चल पड़ा है। ये एसी हमारी ऑन हो चुकी है बट ब्लोअर अभी तक नहीं चल रहा है। आप सब देख सकते हैं ब्लोअर हमारा, ये देखिए ये पेचकस से हिला रहा हूँ तो ये मूवमेंट कर रही है, आराम से मूवमेंट कर रही है क्योंकि ये जाम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही आराम से हमारा वो चल रहा है। अभी 25 है, कुछ देर में देखिए H6 एरर कोड आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम मैं सॉल्व आउट करूँगा आप सबको आपके सामने ही। देखिए करता हूँ, पहले मैं पावर ऑफ करूँगा क्योंकि हमारा मोटर में है, मोटर में पहले PCB चेक करना पड़ेगा, PCB से फॉल्ट है या कुछ और एरर कोड है। एसी बंद करो, इसके पकड़ो। अब मैं PCB वगैरह खोल चुका हूँ तो इसमें देखता हूँ क्या होता है। PCB हमारी यहाँ से खुलेगी ऊपर का, इसका देखिए तार वगैरह, देखिए यहाँ से अंदर से आपको यही दिख जाएगा, ये अंदर से हमारे जो तार हैं मोटर के तार, ये हमारे कटे हुए हैं, चूहे ने तोड़ दिया है इसका, इसीलिए H6 एरर कोड आ रहा है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ पहले PCB को। इसको ही ऐसे लटका देता हूँ जिससे मुझे जॉइंट करने में आसानी हो। देखिए ये हमारे सारे तार
एक भी तार ऐसा नहीं है कि जो जुड़ा हो, सारे तार काट दिए हैं चूहों ने। इसको ज्वाइंट करके बस ये ध्यान रखिएगा जो जो कलर है कलर कोड से ही आप उसको ज्वाइंट करेंगे, ठीक। तो इसका देखिए इसका कहाँ पे है कवर, ये मैंने तार वगैरह इसका छेल लेता हूँ, छेल लिया है। कलर कोड से ही इसको मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को ऑन करता हूँ। तो मैं इसको छील लेता हूँ आराम से। हमने वायर वगैरह जोड़ दिया है इसमें सारे अच्छे ढंग से। चलता हूँ देखता हूँ ऑन करके कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई या तो मोटर भी जा सकता है। तो ऑन करो, स्विच में लगा रहा हूँ पावर प्लग से। एमसीबी ऑन की, एमसीबी ऑन हो गई 3 मिनट के बाद। हमारा 25 मोटर सक्सेसफुल। हमारा ब्लोअर हवा देने लगा। हमारी ब्लोअर ऑन हो चुकी है यहाँ पे। देखिए हमारा ब्लोअर ऑन हो चुका है, ये कागज़ के मध्य। देखिए ऑन हो चुका हमारा ये मोटर। अब देखिए 25 पे चल रहा है हमारा इस समय। देखिए कागज़ के माध्यम से आपको एयर दिख रहा होगा। हमारा सक्सेसफुल हो गया हमारा मोटर। जो S6 का अगर आप सबको भी एरर कोड आया तो S6 का तो प्लीज़ पहले वायरिंग चेक कीजिएगा, फिर एक बार मोटर हाथ से चला के देखिएगा जो ब्लोअर है घूम रही है नहीं, उसके बाद वायरिंग चेक कीजिएगा। वायरिंग चेक करने के बाद पीसीबी चेक करने के बाद फिर मोटर में चेक कीजिएगा, तो आपको सॉल्व पता ही चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए हमने सॉल्व आउट कर चुका हूँ हमारा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड। हमें इसको सब कवर वगैरह।